आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ? आप सभी जानते होंगे कि डायनासोर एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। डायनासोर काफी विशाल हुआ करते थे, शायद अगर यह विलुप्त ना होते तो आज धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई भी इस विशाल जानवर से नहीं बच पाता। ऐसे ही बहुत से बातें अब हम जानने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने से हुआ था। एक बात जो भी BC डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्ट्रॉइड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते और यह एस्ट्रॉइड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह एस्ट्रॉइड मैक्सिको के युक्टन प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। ऐसा एस्ट्रॉइड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे एक दशक तक इसी स्थिति में रही है। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई है। जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण नहीं मालूम था उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रवाह में जीवों के स्वरूप बदलते गए या जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी हो, सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी माने जाते थे। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। कुछ वैज्ञानिक के हिसाब यह लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने दो पैरों पर भागते थे, इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते थे। लेकिन शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते थे, इससे उनका भारी शरीर संतुलित रहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य का दिमाग डायनासोर के दिमाग से बड़ा होता है। डायनासोर अक्सर चट्टान भी निगल लेते थे। यह चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करते थे।